जय श्री राम साथियों, हिंदू धर्म में जो भी पूजन पाठ रीति रिवाज विधि विधान है उनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए हैं और उनको आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इसी तर्ज पर एक विषय के बारे में जानकारी हम आपको देंगे आज कि सूर्य उदय होने पर सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, करते हैं आज के विषय के बारे में बात। साथियों, ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली माना गया है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य को देवता श्रेणी में रखा गया है, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है। वैसे यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य देव के दर्शन से मन को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही ये शरीर में स्फूर्ति भी लाता है। प्रत्येक सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य अच्छा होता है, सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं, हर कोई आपसे खुश रहता है और आपके लिए निष्ठावान रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ही वह ग्रह है जो व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, उसे लोगों से सहयोग मिलता है और उच्च पद का भी सम्मान मिलता है। और कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, सूर्य देव हमेशा उन पर अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन एकाग्रचित होता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जटिल से जटिल समस्या का समाधान भी चुटकियों में कर लेते हैं। पर साथियों, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर को विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना होता है, इनमें एक तत्व अग्नि भी है। सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती है, जिससे हार्ट, त्वचा, आंखें, लीवर और दिमाग जैसे सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन में अच्छे विचार आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर एक महत्वपूर्ण कारण भी सामने आता है, जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, सूर्य उदय के समय जब कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो वह तांबे के पात्र का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों को अपने सिर से भी ऊपर ले जाकर सूर्य देव को जल अर्पण करता है। उस समय सूर्य तांबे के पात्र से निकलता हुआ कॉपर वाटर, वह मनुष्य का शरीर एक ही सिद्ध में होते हैं, जिससे सूर्य से आने वाली किरणें तांबे के पात्र से निकलने वाले पानी से टकराती है और वह किरणें मनुष्य के शरीर पर पड़ती है। जब किरणें कॉपर वाटर से रिफ्लेक्ट होकर निकलती है तो वह इंद्रधनुष बनाती है, जो 7 रंग का होता है। अब उसमें हरा रंग है वह क्लोरोफिल का होता है, जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। वह मनुष्य के मस्तक, कंठ, हृदय, फेफड़े, लीवर, पित्त, शरीर के प्रत्येक हिस्से पर पड़ता है तो उन्हें आयरन प्रदान करता है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि हरी सब्जी और पत्तियों में आयरन होता है और उन्हें खाना चाहिए। इस प्रकार इंद्रधनुष से निकलने वाले बाकी 6 रंग भी अपने अपने गुण के अनुसार शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, वह मानसिक शांति प्राप्त होती है, वह शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं पनपती है। और साथियों, सूर्य से निकलने वाली किरणें 8% ही पृथ्वी पर पहुंचती है और जब सूर्य उदय होता है उस समय 1 घंटे तक की किरणें ही शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है और इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। साथियों, हिंदू धर्म में जो भी पूजन पाठ रीति रिवाज अपनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए होते हैं और उनको आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।